नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने फ्यूचर टेट से किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए दोस्तों, और आपके लिए लगातार लेते आते रहेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 11 तक बन गया है, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, 176 नंबर, माइक्रोमीटर सिद्धांत पर क्या करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो माइक्रोमीटर जो होता है वह स्क्रू और नट पर काम करता है, ठीक है, स्क्रू और नट पर काम करता है, जिसे कहते हैं माइक्रोमीटर का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 177 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा काठेदार ढलवा लोहा का दूसरा नाम है। तो इसमें से अदर नाम बताना कास्ट आयरन का, तो कौन सा नाम होता है अलग, उसे कहते हैं तन ढलवा लोहा, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 178 नंबर, निम्नलिखित में से किस कार्बन इस्पात में कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज किसमें होता है, कम होता है, ये बताना है। तो जो कम जो होता है वो होता है माइल्ड स्टील में, ऑप्शन में दिया उच्च कार्बन इस्पात इसमें जो है अधिक होता है, मध्यम कार्बन इसमें भी अधिक होता है, हाई स्पीड इसमें भी अधिक होता है, लेकिन माइल्ड स्टील में सबसे कम होता है। इस यही तो पूछा गया, कार्बन का इस्पात, कार्बन इस्पात कार्बन का सबसे कम किस में होता है, तो ये माइल्ड स्टील में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 179 नंबर, नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग में अब यदि आप कूलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वहाँ पर हम लोग एयर का प्रयोग करेंगे, नॉर्मलाइजिंग की बात करते हैं तब, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग में हम लोग एयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 180 नंबर, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा ऊष्मा उपचार का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी स्टील का कार्य क्षमता यानी उसका स्टील का एज इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लोग उसका हार्डिंग करते हैं। हार्डिंग प्रोसेस करने के बाद वो उसका कार्य क्षमता बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 181 नंबर, आकृति में दर्शाए गए फोर्जिंग उपकरण को पहचाने, ये कौन सा फोर्जिंग उपकरण है, ये पहचानना है, इसे कहते हैं फ्लैटर। आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी इज राइट, इसे क्या कहते हैं, फ्लैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 182 नंबर, नर्लिंग समान स्पीड गति पर किया जाता है, यदि आप नर्लिंग कर रहे हो तो उसका स्पीड कितना रहता है, ये बताना है। तो वो तो नर्लिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसका स्पीड धीमा रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 183 नंबर, क्या बोला है, फोर्जिंग प्रचालन का नाम बताइए जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े को अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाता है, ये कौन सा फोर्जिंग प्रक्रिया है, उसे कहते हैं अपसेटिंग, क्या कहते हैं, अपसेटिंग, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 184 नंबर, TIG यानी टिक वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रो धारण करता है। TIG का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, इसे कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। इसका टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ये जो क्लॉट होता है, ये क्लॉट क्या करता है, टॉर्च को धारण करता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 185 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है, यानी कि होल, जो होल बेसिक होल को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये बताना है। तो बेसिक होल को ऑप्शन डी इज राइट, एच फॉर होल, ये एच दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 186 नंबर, बोला कि एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक फिट होता है, ठीक है, ए पॉजिटिव अलाउंस विल बी ऑलवेज क्या देता है, ये बताना है, ये क्लियरेंस देता है, ऑप्शन ए इज राइट। 87 क्या बोल रहा है, BSI प्रणाली में टॉलरेंस कितने ग्रेड के होते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है टॉलरेंस जो है कितने ग्रेड के होते हैं, ये पूछा गया है। तो सी यानी कि 18 ग्रेड के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 188 पर आते थे, चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचान, ये कौन सा गेज है, ये बताना है, इसे कहते हैं स्नैप गेज, ये जो फिगर बना हुआ है इसे क्या कहते हैं, स्नैप गेज, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 189 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, एक निरीक्षण आमतौर पर संगठित परीक्षा औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है, दूसरा बोल रहा है कि गुणवत्ता नियंत्रण की एक छोटी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करता है, इसमें से कौन सा सही होगा, ये बताना है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन सी इज राइट, कथन ए और दो दोनों सही है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 190 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण रोधी बियरिंग है? तो घर्षण रोधी बियरिंग किसे कहते हैं? उसे कहते हैं बॉल बियरिंग को घर्षण रोधी बियरिंग कहते हैं। ठीक है, काफ़ी बार एंटी फ्रिक्शन बियरिंग पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, जो बॉल बियरिंग होता है उसे कहते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, क्योंकि ये फ्रिक्शन प्रदान नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है? बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, फ्लेट कन्वेयर, ये जो है पैलेट कन्वेयर, सभी जो है ये कन्वेयर का प्रकार होता है, ऑप्शन में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 192 नंबर। समान उद्देश्य के लिए खुरदरापन का मान ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। यदि हमको रफनेस का वैल्यू ज्ञात करना है तो सबसे नॉर्मल वैल्यू जनरल पर्पज में क्या होता है ये बताना है। तो 12 जो होता है वो खुरदरापन वैल्यू पूरा में आता है। ठीक है, रफनेस वैल्यू में आते हैं। ठीक है, 193 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी एक सतह अनियमितता है? रफनेस, वेवनेस या वेफनेस और वेवनेस दोनों। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस इंक्रूलिटी? तो ये जो है 193 का ऑप्शन नंबर सी दोनों होता है, खुरदरापन और वेवनेस दोनों, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आमतौर पर प्रेस कार्य में कार्यखंड को कहाँ रखा जाता है? तो कार्यखंड को वहाँ पर रैम पर रखते हैं, सॉरी डाई पर रखते हैं। कार यहाँ पर क्या पूछा? प्रेस कार्य में कार्यखंड को यानी वर्क पीस को हम लोग डाई पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 195 नंबर। ब्लैकिंग सक्रिया में क्रियंस दिया जाता है, तो ब्लैकिंग सक्रिया में क्रियंस कहाँ पर किससे दिया जाता है ये पूछा गया है। तो ये जो रैम पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? ऑप्शन सी इज राइट, रैम पर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर 96 नंबर। चित्र में दर्शाया गया रिविट जोड़ को पहचाने, ये कौन सा रिविट जोड़ है ये पहचानना है। इसे कहते हैं एंगल रिविटेड लैप जॉइंट, ऑप्शन सी। ठीक है, लैप जॉइंट इसे एक दूसरे पर रखा हुआ है इसलिए इसे लैप जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 197 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रिविटों के बीच की न्यूनतम दूरी रिविट के व्यास कितना गुना था? वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो तीन गुना होता है 3D जिसे कहते हैं, ठीक है, तीन गुना होता है रिविट के व्यास। 198 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचरण के लूप में किया जाता है? तो उसे कहते हैं जो पावर ट्रांसमीटर कहते हैं वो किसका गियर भी होता है ये भी करता है, क्लच भी करता है, कपलिंग करता है, यानी कि सभी ऑप्शन सही है जो पावर ट्रांसमीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 199 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षक लेपिंग में प्रयुक्त होता है? कौन सा एब्रेसिव लेपिंग प्रोसेस में उपयुक्त होता है? देखो सिलिकॉन कार्बाइड ये भी होता है, एल्युमिनियम कार्बाइड ये भी होता है, हीरा भी होता है, ये जो सभी ऑप्शन दिए गए सभी है लेपिंग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 200 नंबर। चित्र में दर्शाए गए मशीन को पहचाने, ये कौन सा मशीन है ये आपको पता रहना चाहिए। देखो भाई आप ध्यान से देखिएगा तभी आप पता चलेगा, इसे कहते हैं ब्रोचिंग मशीन इसे कहते हैं। आप देख के ये मत लगाइएगा लेथ मशीन, ये लेथ मशीन नहीं है। ठीक है, ये एक ब्रोचिंग मशीन, ये ब्रोचिंग क्यों रखा हुआ है? लेथ मशीन में क्या होता है, एक हेड स्टॉक होता है कि टेल स्टॉक, यहाँ पर टेल स्टॉक लगा होगा तभी आपको ब्रोचिंग मशीन कहलाएगा। ठीक है, ये सॉरी लेथ मशीन कहलाएगा, बट ये ब्रोचिंग मशीन है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। धन्यवाद दोस्तों।